गुड मॉर्निंग। सो इससे पहले मैंने आपको ये चीज़ बताया था, सो आप कंप्लीट कर लिए होंगे कि टेंथ के बाद क्या आता है, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, थर्टीन्थ, ओके ये लिखना है आपको। नाइन्थ के बाद टेंथ, इलेवेंथ, जैसे कि यहाँ फिगर में दिया है। अब डू एज डायरेक्टेड में क्या दिया है, कलर द फिफ्थ कलर। सो आपको इसमें से चूज़ करना है फिफ्थ वाला बॉल्स कौन सा है। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो ये फिफ्थ बॉल्स है ना, इसे आपको कलर करना है। ओके नेक्स्ट, कलर द सेकेंड एलिफेंट ब्लैक एंड द सिक्स एलिफेंट ब्राउन। यानी जो सेकेंड नंबर पे एलिफेंट है उसे आपको ब्लैक कलर करना है। तो सेकेंड नंबर पे साइन ये है, इसे हम ब्लैक कलर करेंगे, ठीक है। और सिक्स नंबर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। सो यहाँ ये वाले एलिफेंट्स किस कलर के होंगे, ब्राउन कलर। ओके करिएगा बुक में। नेक्स्ट बोला है ऑब्जर्व द वर्ड बिलो एंड राइट द पोजीशन ऑफ ईच लेटर। ठीक है, यहाँ कुछ लेटर लिखा है, डायनासोर लिखा है ना, तो यहाँ वो लेटर जिस पोजीशन पे है उसको आपको वहाँ लिखना है। जैसे कि डी, डी किस लेटर पे है, फर्स्ट, तो डी यहाँ पे है, डी नीचे है, डी यहाँ फर्स्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले बोला है आर, एस, जैसे एस दिया था तो एस किस नंबर पे था, देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो एस की जगह फिफ्थ लिख दिया। उसी तरह आर किस नंबर पे है, वन टू सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, सो यहाँ एट लिखाएगा। ओके सिर्फ एट नहीं, एट्थ, टी एच भी लगेगा। सो इसे आप कंप्लीट करिएगा ये पूरे। नेक्स्ट भी बोला है कि ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व द वर्ड बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स दैट फॉलो। पी आई ए एन, पियानो लिखा है, तो डैश इज द सेकेंड लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। तो सेकेंड लेटर कौन सा है इसमें, आई। सो यहाँ पे क्या लिखाएगा, आई, आई इज द सेकेंड लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। नेक्स्ट डैश इज द फोर्थ लेटर ऑफ द गिवन वर्ड, फोर्थ लेटर एन है, सो यहाँ एन फिल होगा। फर्स्ट पी है तो पी फिल होगा। ओके इस तरीके से आप पूरा फिल करके बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके